घातांकीय भाग देखेंगे। टाइप वन, टाइप वन में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 45/45+1/40, तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना बचेगा, ये देखेंगे। सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 44+1/45+1/44। ये 44 से ये 44 कैंसिल हो जाएगा, 1/45+1 ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 a 1, यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो ये 2 जो है यही हमारा है रिमाइंडर शेषफल। अगला क्वेश्चन जैसा दिया है 45/9, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ देखिए 45 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ये आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 28/5, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, तो ये जाएगा 25, मतलब रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 3। 3 जो है इसका रिमाइंडर है। देखिए 28/5, तो 5 टाइम जाएगा 25, प्लेस कर देंगे 3, 3 जो है रिमाइंडर है।